देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। कोसीकलां मथुरा आजादी की 75वीं वर्ष होने पर सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली का हुआ जोरदार स्वागत। आपको बता दें, कोसीकलां मथुरा में आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पूरे होने पर अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की साइकिल यात्रा असम से तेजपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली सशस्त्र सीमा बल का कोसीकलां राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साइकिल रैली बाईपास से नगर में प्रवेश किया। सब्जी मंडी चौराहे घंटाघर बलदेवगंज निकाशा चौराहे होते हुए सरस्वती विद्या मंदिर पर पहुंची। नगरवासियों में बहुत ही जोशीले अंदाज से सभी सेना के जवानों को तिलक व फूल माला दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। नगर के हर रास्ते पर फूलों की बरसात होने हमारे सेना के जवानों पर होती रही। स्कूली बच्चों ने भी कहीं पीछे नहीं रहे, वह भी साइकिल यात्रा के साथ ही साइकिलों पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। विद्या मंदिर में सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति कर विद्या मंदिर व गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चों ने जवानों का हौसला बढ़ाया। अगले दिन सुबह साइकिल यात्रा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। इस मौके पर सीओ छाता व एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य, रामलीला संस्था के अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय, नगर पालिका चेयरमैन अग्रवाल, सभा के अध्यक्ष वेदी हुकुम चंद तरुण, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय बठेनिया, ललित कुमार एडवोकेट, पवन बंसल, योगेश बंसल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रपति और मंच के जिला अध्यक्ष सुनील अनंत, महामंत्री पवन कुमार, बलराम शर्मा, विष्णु शर्मा, दीपक मित्तल, नारायण शर्मा, उधम सिंह, सतेंद्र सिंह, धर्मवीर शर्मा, धर्मवीर अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। कोसीकलां मथुरा से यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में ये जो साइकिल रैली निकल रही है 75वें वर्ष जो आज़ादी के हुए हैं उसके लिए, आज जो आसाम तेजपुर से जो साइकिल रैली आई है, साथ में कमांडेंट साहब आए हैं तो और जवान भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। जनता के अंदर बहुत अच्छा संदेश भी गया है कि देश प्रेम की भावना जागी है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया भी है सभी जवानों ने, बड़ा अच्छा लगा। ये एक मेरे नज़रों में तो नई चीज़ है भाई, आप सिविलियन से जुड़ें, सेना के जवान जब आते हैं तो सिविलियन के बीच में अच्छा लगता है कि हमारी जो देश की सेना है जो हमारी सीमाओं पर रक्षा करने के लिए है, तो ये बड़ा अच्छा लगा और मैंने सभी का स्वागत किया और अभिनंदन किया है और नगरवासियों ने भी सभी ने किया है, चाहे वो कोई भी है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही, सभी समाजसेवियों ने, सभी लोगों ने इस रैली का स्वागत किया है और बड़ी अच्छी खुशी मनाई है। आज़ादी के 75वें वर्ष होने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा साइकिल यात्रा निकालकर अटल महोत्सव के रूप में मनाया है। देश के 27 जगह से साइकिल यात्रा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा निकाली जा रही है। 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पर जाकर इसका समापन होगा और ये हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि देश के सैनिकों का, इस टीम का स्वागत करने के लिए कोसी की जनता जनार्दन को मौका मिला। कोसी की जनता जनार्दन ने तहे दिल से पुष्प वर्षा कर, दुपट्टे पहना के, माला पहना कर बहुत हृदय से उनका स्वागत किया। रामजिला संस्थान कोसी कला के द्वारा भी बलदेव मंच पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया और मेरे द्वारा मंच पर सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया स्मृति चिन्ह देकर। मैं उन सभी का तहे दिल से नंदन अभिनंदन हार्दिक वंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा देश वीर सैनिकों के हाथ से सुरक्षित रहे और इनके द्वारा जो मानवता का जो कार्य किया जाता है, जैसे कि बाढ़ आती है या देश में कोई आपदा आती है तो देश के सैनिक ही इस आपदा को मानवता के नाते उसको वो पूर्ण करते हैं और सबको जरूरत की चीज़ें पहुंचाने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है। आज भारत सरकार के द्वारा हमारे सैनिक भी गर्व महसूस करते हैं कि जो व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा सैनिकों के लिए की जा रही है, सीमा सुरक्षा बल के लिए की जा रही है, पुलिस के लिए की जा रही है, आधुनिक साज सज्जा से लैस हथियार हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, कई प्रकार के ड्रोन हैं, लड़ाकू विमान हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें सेना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करूँगा कि जो देश की सेना